खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ, जिन जिन मंत्रालयों पर बहस चल रही है या जिन जिन मंत्रालयों पर एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है वो आपके सामने है। बाला साहेब थोरात को राजस्व मंत्री बनाने की बात कही जा रही है, जयंत पाटिल के खाते में वित्त मंत्रालय आ सकता है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो है वो छगन भुजबल के पास जा सकती है। तीन अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के कद्दावर नेता हैं और ये तीनों पार्टियां चाहती है कि कद्दावर मंत्रालय जो है वो उनके पास आए और अभी उसी चीज की जद्दोजहद चलती हुई दिख रही है। जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये सूत्र बता रहे हैं फाइनल हो चुका है या कल 10 बजे का वक्त जब क्लैरिटी मिल जाएगी कि लगभग फाइनल ही है? देखिए, लगभग फाइनल है ये, क्योंकि इन नामों पर और इन मंत्रालयों पर चर्चा हो चुकी है और इस पर फाइनल मुहर जो है कल जब तीनों पार्टियां बैठेंगी, तीनों पार्टियों के नेता, कल वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग है, वहां पर इन मुद्दों पर चर्चा होगी और ये जो मंत्रालय और मंत्रियों के नाम, जो प्रपोज्ड मंत्रियों के नाम हैं, वो उसमें फाइनलाइज किए जाएंगे। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं जो, और जैसी गणेश ने जानकारी दी है, लगभग वैसी ही जानकारी हमें हमारे पास आई है कि ये जो मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय अजीत पवार के पास जा रहा है, जयंत पाटिल के पास वित्त मंत्रालय जा रहा है, तो ये सारे जो मंत्रालय हैं, जैसे जयंत पाटिल को अनुभव रहा है ये मंत्रालय देखने का, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए छगन भुजबल का नाम आ रहा है, तो छगन भुजबल पहले भी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देख चुके हैं, तो उसी आधार पर ये तीनों ही पार्टियां जो है जिनके पास अनुभव रहा है इस तरह के मंत्रालयों को संभालने का, तो इन नामों को आगे कर ये मंत्रालय बांटने का प्रयास कर रही हैं। और ये इस समिति के बारे में आपके पास क्या जानकारी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर टिके हुए हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसको चलाने के लिए एक समिति, उसको देखने के लिए एक समिति बनेगी, ये 12 लोग कौन होंगे फिर इस समिति में? देखिए, 12 लोग कौन होंगे, इनके नाम अभी हमारे पास में नहीं आए हैं, लेकिन ये जब ये चर्चा शुरू हुई थी तभी ही ये तय हुआ था कि एक समिति जरूर बनाई जाएगी, वो एक कोऑर्डिनेशन कमिटी का काम करेगी सरकार के लिए इन तीनों पार्टियों के बीच में, और इस समिति के सदस्य जो है एक अंतराल के बाद में मिलेंगे रेगुलरली और ये देखेंगे कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। साथ ही इस समिति का ये भी काम होगा कि अगर इन सरकार के बीच में जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं उनके बीच में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, तो उन मतभेदों को खत्म किया जाए और विवाद, छोटा सा विवाद जो है बात का बतंगड़ ना बन जाए, तो इसके लिए यह समिति काम करेगी और कोशिश रहेगी कि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त तक टिकी रहे।